नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आमला में भारतीय किसान संघ तहसील इकाई से जुड़े किसानों ने बुधवार को भगवान बलराम की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर कृषकों विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें भगवान बलराम की झांकी भी सजाई गई थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ ने पहले बिजली ऑफिस में समस्याओं का ज्ञापन सौंपा, साथ ही तहसील कार्यालय पहुंचकर अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का त्वरित सर्वे कार्य शुरू कर क्षेत्र के कृषकों को राहत राशि प्रदान करने की मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। रैली निकाली गई, एक ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, क्या समस्या है? ये भारतीय किसान संघ का बलराम जयंती महोत्सव प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी मना रहा है और ज्ञापन दिवस के रूप में प्रति वर्ष ज्ञापन दिया जाता है वर्तमान की समस्याओं को लेकर। अभी पूरे देश में ज्ञापन तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें राज्य और केंद्र से संबंधित जो समस्या है इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ क्या प्रमुख मांगे किसानों की। इसमें किसानों की जो प्रमुख मांगे है, अभी वर्तमान में जो अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई है उसका तत्काल सर्वे कर किसानों को राहत राशि बीमा दिया जाए और अभी आने वाले सीजन के लिए, रबी सीजन के लिए बिजली की जो व्यवस्था है बहुत खराब है। कई जगह पोल टूटे हुए हैं, 10-10, 12-12 पोल टूटे हुए हैं, जिसके लिए हमने आज जेई आमला को भी ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तत्काल बारिश के समापन होते बिजली की समस्या का निराकरण करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? पुरुषोत्तम शर्मा। आज बलराम जयंती के उपलक्ष्य में बताया आपके क्या विचार? बलराम जयंती प्रति वर्ष का ज्ञापन देते हैं और किसानों की आज वर्तमान विशेष समस्या ये है कि इटारसी से कानूर नाकर रेलवे ट्रैक जो बनने जा रहा है उसका सर्वे 3-4 साल पहले हो चुका था पर लेकिन किसान को 2-4 दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है। क्या समस्या आ रही है ट्रैक को लेकर? इसमें 120 मीटर चौड़ी लाइन डाल रहे हो। अच्छा। और किसानों की उपजाऊ जमीन में से जा रही है। अच्छा। तो उसमें किसानों का कहना है कि जिसकी जमीन जा रही है जो किसान उससे प्रभावित है, उनके किसान परिवार के सदस्यों को 700 रुपये और बाजारों की कीमत से 4 गुना मुआवजा मिले। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।